हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2023 का एंट्रेंस हो गया है और हमारे पास है सेट बी जिसकी हमने आंसर की बनाई है। और आप जानते हैं जामिया का जो बीएड का कोड है B22 है, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं और अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपको पता चल सके कि आपका सिलेक्शन जामिया में होने वाला है या आपके लिए इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आने वाली है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सीधा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा आपको आंसर बताएंगे। फैमिली इज अ मीन्स ऑफ, यानी कि परिवार साधन है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू अ क्लासेस लेट यू विल, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में देर से आ रहा है तो तुम। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइंड आउट द रीजन, कारण पता करने की कोशिश करेंगे या कारण पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर एनालॉजीज मोस्ट हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखने में उपमाएं सबसे अधिक सहायक कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर मेक द अनफेमिलियर सिचुएशन फेमिलियर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिट्स, छात्र को विभिन्न प्रकार के जानवरों और उनकी आदतें पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टेक द स्टूडेंट इन अ ऑन अ विजिट टू द जू, यानी कि छात्र को चिड़ियाघर की सैर पर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रेशनल टू बी गिवन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गतिविधियों के पक्ष में दिया जाने वाले सबसे उपयुक्त तर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाई टीचर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आस्क स्टूडेंट ओनली वन दे हैव फिनिश्ड टीचिंग अ चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक दैट यू वुड एसोसिएट विद एन इफेक्टिव टीचर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है जिससे आप प्रभावी अध्यापक के साथ जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिनायकवादी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन लर्न बाय रिलेटिव न्यू नॉलेज विद देयर प्रीवियस नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रेशनल टू बी गिवन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग टीम टीचिंग, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर टीचर वर्किंग टूगेदर टू टीच, निम्नलिखित में से कौन सा आचरण के पक्ष में दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त तर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, इसमें डाउटफुल है। तो क्वेश्चन नंबर ए का 9 सी आंसर की के बाद हमें और क्लियर पता चल जाएगा या ए है या सी है। तो आप दोनों ही मुझे डाउट इसीलिए है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब आंसर की में देखेंगे या तो ए होगा या आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दे रिक्वायर इमेजिनेटिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, यू गेट टू नो दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स टू कोविड, हाउ वुड यू ट्रीट दिस चाइल्ड। आपको पता चलता है कि कक्षा के एक छात्रा ने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खो दिया है, कैसे आप इस बच्चे का इलाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड हर विद केयरिंग एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि उसे देखभाल और स्थिर वातावरण प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर मोस्ट फोकस ऑन टू हेल्प स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट स्टूडेंट इंगेज विद द कॉन्सेप्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यानी कि इस साल के पेपर में कई सारे क्वेश्चंस भी गलत हैं और कई सारों के ऑप्शंस आपको गलत दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल क्लासरूम प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाई टीचर, निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय कक्षा अभ्यास शिक्षकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आस्किंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द क्लासरूम रूल। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिलेवेंट रीजन फॉर प्लानिंग ऑफ द लेसन बाय टीचर्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों की पाठों की योजना बनाने का सबसे कम प्रासंगिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क टू द स्टूडेंट, छात्रों के लिए जटिल शिक्षण आधारित प्रदर्शन कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति होगी सबसे उपयुक्त या सबसे उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक अप द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड ऑफर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कल्चर इवेंट इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकरेज स्टूडेंट टू आउट परफॉर्म वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर हैज नॉट टॉट अंटिल द स्टूडेंट हैज लर्न, शिक्षक ने तब तक नहीं पढ़ाया जब तक छात्र सीख नहीं लेता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग एंड लर्निंग टू टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट कंसिडर टू बी एन एम ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षा का उद्देश्य नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन कल्चर प्योरिटी एंड रेजिस्टिंग ऑल चेंजेस इन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 19, यू फाइंड आउट दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज कंपल्सिव लायर एंड हैज नॉट गिवन अप हिज हैबिट डिस्पाइट योर एफर्ट, व्हाट वुड यू डू। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र एक बाध्यकारी झूठा है और उसके और आपके प्रयासों के बावजूद अपनी झूठ की आदत नहीं छोड़ी है, आप क्या करेंगे। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीक द हेल्प ऑफ स्कूल काउंसलर, यानी कि आप स्कूल काउंसलर की मदद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यूज आर कॉट एंड नॉट टॉट, सेलेक्ट द स्कूल प्रैक्टिस दैट इज मोस्ट कॉन्सोनेंस विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल स्टाफ डिस्प्ले हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इन देयर पर्सनल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बींग फॉलोड इन स्कूल। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइंस एंड सोशल साइंस आर इंटीग्रेटेडली टॉट एज एनवायरमेंटल स्टडीज इन प्राइमरी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस दैट यू वुड एसोसिएट विद अ टीचर टीचिंग अ बैच ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय अभ्यास है जिसे आप एक पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के एक बैच को पढ़ाने के लिए के साथ जोड़ेंगे। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी अ फ्लेक्सिबल इन असाइनमेंट सबमिशन शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 23, वॉट इज द चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस रेशो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा, 23 का राइट ऑप्शन जो होना चाहिए था दोस्तों 919 होना चाहिए था, लेकिन 919 एज पर द सेंसस रिपोर्ट है। ऑप्शन में 918 था, तो 918 आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सेक्स रेशो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 943। क्वेश्चन नंबर 25, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन 2023 इज अबाउट, 2023 में भारत में शिशु मृत्यु दर लगभग है। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 27%। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन फॉर विच द टीचर इज अनेबल टू आंसर देन यू विल, यदि कोई छात्र ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक नहीं दे पाता तो आप, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टे दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, कहना कि आप परामर्श के बाद जवाब दे देंगे, यानी कि पढ़ने के बाद या किसी से मशवरा या परामर्श के बाद आप उसका जवाब दे देंगे। 27, डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, कक्षा में लोकतंत्र के
किसके द्वारा प्रतिबिंब होता है? तो 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउ स्टूडेंट टू पार्टेक इन डिसीजन विद इन रूल एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 28, द अप्रूवल ऑफ रनिंग द डिग्री फॉर डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, NCTE, NCTE इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द फाउंडेशन स्टेज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लूड्स। 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्सरी एंड लोअर प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 30, डी डाइट्स वेयर स्टार्टेड फ्रॉम, डाइट्स वर स्टार्टेड आफ्टर। 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एनपीई 1986। क्वेश्चन नंबर 31, समग्र शिक्षा सबस्यूम्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में शामिल नहीं है। 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोजेक्ट मेथड ओरिजिनेट फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डिवे, जॉन डिवे इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द सिस्टम ऑफ ओपन स्कूलिंग इन इंडिया। भारत में ओपन स्कूलिंग की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इट गिव अ सेकंड चांस टू लर्नर हु लॉस्ट आउट और ड्रॉप आउट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक दैट यू वुड एसोसिएट विद एन इफेक्टिव टीचर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसे आप एक प्रभावी अध्यापक के साथ जोड़ेंगे? 34 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिस्करेज रोट मेमोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कॉन्सोनेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एग्जिस्टिंग 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन टू बी रिप्लेस बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीबीएसई। निम्नलिखित में से कौन सी सीबीएसई की जिम्मेदारी नहीं है? 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू फुलफिल द एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ दोज स्टूडेंट हु पेरेंट आर इन ट्रांसफरेबल जॉब, या ट्रांसफरेबल जॉब होगा, ट्रांसफरेबल जॉब। क्वेश्चन नंबर 37, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन टू इफेक्ट द राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन से संवैधानिक संशोधन शिक्षा अधिकार नियम को प्रभाव में लाने के लिए जिम्मेदार था? 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 86। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक वुड यू नॉट एसोसिएट विद एन इफेक्टिव टीचर। 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंकरेज एक्टिव लर्निंग इन लार्ज साइज एलिमेंट्री क्लासेस। निम्नलिखित में से बड़े आकार की प्राथमिक कक्षाएं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी सक्रिय रणनीति प्रभावी हो सकती है? 39 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेट ग्रुप वर्क। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट ऑर्डिनरी बी आइडेंटिफाइज एज कॉर्पोरल पनिशमेंट। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर शारीरिक दंड के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है? तो 40 का राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस, यानी कि छात्रों को अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंध समितियों का कार्य नहीं है? 41 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवाइस टीचर ऑन इशू रिलेटेड टू पेडागोजी एंड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसिंग चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के आकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी बीइंग अडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-3y = 5। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे,
दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे और वो दो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि -3/4 और -17/12। और दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 3/7 और 32/21। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसीलिए इसके जो आंसर होंगे ये दोनों ही होंगे। अब ये देखेंगे कि जामिया ने किसको अपना आंसर चुना है, हालांकि ये दोनों ही आंसर होने चाहिए। या तो जामिया इस क्वेश्चन को ऑमिट करेगा यानी कि हटा लेगा, नहीं तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए सभी को मार्क्स इक्वल मिलेंगे। अगर फिर भी आंसर की में कोई एक आंसर आता है तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हमें आगे मिले हैं तो वो आपको हम बताएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 भी है। ये क्वेश्चन डाउटफुल है क्योंकि इसमें हमें मिसप्रिंट आपको नजर आ रही है, फिर भी अगर आप इसका आंसर लगाते तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये डाउटफुल है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है आपका, मैं कहूंगा इसको मिसप्रिंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है। क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए था एग्जैक्टली नहीं गिवन है। तो ये दो क्वेश्चन में आपका पहले ऑप्शन में आपके दो ऑप्शन करेक्ट थे और इसमें आपका क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 45, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x-y-2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3-1 एंड 8-9। तो 45 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2:2:3। क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 46, इफ 3 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड इज, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। और ये हमने पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर यानी के आपके 2020 वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी। 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 + √8 + √18 + √32 इज, तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी n+1/√2। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, घात n वाले एक बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसे त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के में अंकित किया जा सकता है। 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर स्क्वायर, क्या होना चाहिए था आर स्क्वायर। दोस्तों हम इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी जल्दी ही अपलोड करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस आंसर की अपने क्वेश्चन को मैच करने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वह आप हमें इस वीडियो के में बताएंगे, और हम जल्दी ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 51, द रैशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, दोस्तों अब ये क्वेश्चन भी आपका, इसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, 51 में आपके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसीलिए जामिया अब इसमें देखेगा कि कौन से ऑप्शन को उन्होंने रैशनल नंबर माना है। क्यों? क्योंकि 0.3 भी रैशनल नंबर है, 0.33 भी, 3/10 भी और 1/3 भी, ये सब रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन इसमें हम चारों ही ऑप्शन होंगे, ऑल ऑप्शन आर राइट। अब या तो इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिलेंगे या इस क्वेश्चन को ऑमिट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बस इज द राइट ऑप्शन, 52 का ऑप्शन नंबर डी। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 6a² + 3ab + 4bc + 8ac, तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है आपका 3a + 4c 2a + b। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट शुड बी एडिड टू -3/5 टू गेट -1,
तो 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर सी आपका बी यानी कि -2/5। क्वेश्चन नंबर 55, टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड्स ए आर जॉइंड एंड टू एंड देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, भुजा ए वाले दो समान ठोस घन सिरे से सिरे तक जुड़े हुए हैं तो परिणामी घन आपका कुल सतही क्षेत्रफल है। 55 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, tan a square इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 96, इफ द स्मॉलर वन ऑफ दिस टू नंबर इज डबल एंड द बिगर वन इज इंक्रीज बाय 4 देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 160 द स्मॉलर नंबर इज, दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, यदि इन दो संख्याओं में छोटी संख्या को दोगुना कर दिया जाता है और बड़ी संख्या को चार से बड़ा दिया जाए तो संख्याओं का गुणनफल 160 हो जाता है, छोटी संख्या है। 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 6x² + 1/x² - 35x + 1/x + 62, तो 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 2, 3, 1/2, 1/3 इज द राइट ऑप्शन। 58, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x - cos x, cos x - sec x, tan x + cot x ऑब्टेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद बताना था इसकी वैल्यू क्या बचेगी, तो 58 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एक वैल्यू इसकी आनी चाहिए थी। 59, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 times in 24 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हमें बताना था कि कितना ब्याज वार्षिक दर है, यानी कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 59 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 12.5% इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + c - 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए b - a + 1 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, ए पर्सन सोल्ड अ टेबल ऑफ रुपीज 4, 2, 3 एंड इनकर अ लॉस ऑफ 6% एट व्हाट प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। 61 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 486 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, नम्रता कैन डू अ जॉब इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज कैन नम्रता एंड श्रुति टुगेदर कंप्लीट द जॉब इफ श्रुति इज ट्वाइस एज फास्ट एज नम्रता, तो 62 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 days इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, थ्री आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 60 वॉट 200 वॉट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 200 वॉल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द पावर ड्रॉन बाय देम, तो कितनी पावर होगी, कितनी शक्ति होगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 63 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 वॉट इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी 64 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपकी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगो रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। 65 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, Mg + CaSO4। क्वेश्चन नंबर 66, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आफ्टर फर्टिलाइजिंग द पी डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एंड क्यू विद इन आर, द आर डेवलप टॉप कॉस्ट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन टू एस, द टी ग्रोज रैपिडली एंड रैपन टू फॉर्म अ फ्रूट, तो 66 में फिर आपको पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो मैं आपको बता दूं 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट फिर एम्ब्रियो फिर आपका ओव्यूल फिर सीड फिर आपका ओवेरी। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछा गया है विच ऑप्शन एक्सप्लेन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ मोटर, तो 67 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 68, क्वेश्चन नंबर 68,
8. A straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of diameter 1 mm. How would the strength of magnetic field at a given distance R change? क्या होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इट वुड रिमेन द सेम, यानी कि वो इसका मान उतना ही रहेगा. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद चलेंगे 69 में. 69 में हमसे पूछा गया है हार्मोन है और एक्स वाई जेड आपको ये गिवन है, यानी कि एक टेबल थी. मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ. तो आंसर क्या होगा 69 का? 69 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि एक्स और ये वाई और ये आपका जेड. क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द फॉल ऑफ मैच्योर लीव एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट. पौधों में परिपक्व पत्तियों और फलों के गिरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 71, ऑन हिज वे टू द मार्केट राजीव कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आर. ऑन हिज वे बैक अलोंग द सेम रूट द एवरेज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आर. वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप? एवरेज स्पीड बतानी थी. 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 किलोमीटर पर आर. ऑप्शन नंबर बी 24 किलोमीटर पर आर इज द राइट ऑप्शन. 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल. और ये कल ही कराया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 का राइट ऑप्शन, राइबोसोम, ए राइबोसोम. क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? 10 मोल जल के अणुओं में का द्रव्यमान कितना होता है? आपको पता है एक का 18 होता है, तो 10 का 180 हो जाएगा. 73 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स ऑफ अ फोर्स? तो 74 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंपल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम. फोर्स इंटू टाइम इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड. 76, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू? तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था पीएच वैल्यू का क्या होगा. 76 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमन, फिर कैरेट जूस, फिर प्योर वाटर, फिर अमोनिया. क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ ट्रिपल बॉन्ड? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, आपके ऑप्शन ही इसमें रॉन्ग गिवन है. तो रॉन्ग ऑप्शन है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि इसके अंदर ही आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ही सिर्फ आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी किसी में ट्रिपल बॉन्ड आपका वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा. इसीलिए और फिफ्थ में सिर्फ अकेला फिफ्थ कहीं नहीं आया था. देखो फिफ्थ सिर्फ यहां आया और उसके साथ 1,4 आया, तो इसीलिए इसके ऑप्शन आपके हो जाएंगे रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 78, अब ऐसे रॉन्ग वाले क्वेश्चन में या तो सभी को मार्क्स मिलेंगे या उस क्वेश्चन को हटा लिया जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मसल्स क्रैम इन ह्यूमन? तो मसल्स क्रैम किसकी वजह से होता है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड. ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द गिवन रिप्रेजेंट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि साबुनीकरण जो आपकी अभिक्रिया है वो कौन सी है? 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CH3COOC2H5NOH के साथ रिएक्शन करेगा, CH3COONA बनेगा और C2H5OH आपका अलग बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 80, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ? तो 80 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पौधों में कार्बोहाइड्रेट इस रूप में जमा होता है, तो आपको पता है 80 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के रूप में. क्वेश्चन नंबर 81, विच फाइलम ऑफ एनिमल इज कॉल्ड फ्लैटवर्म? जानवरों को किस संघ को चपेटे कृमि भी कहा जाता है? 81 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटीहेलमिंथिस या पृथ्वी कृमि. क्वेश्चन नंबर 82, ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² इन अ बॉडी ए एंड 5 m² इन अनदर बॉडी बी. फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए
टू द मास ऑफ बी, तो रेशियो बताना था या सॉल्यूशन करके बताना था कितना आ गया। तो 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर आयरन माइन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। 83 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कुद्रेमुख इज द राइट ऑप्शन। 84, अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड, कीमतों में सामान्य वृद्धि और मुद्रा के क्रिय में मूल्य में गिरावट कहलाती है। 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज द राइट ऑप्शन यानी कि मुद्रा स्फीति। 85, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन इज द राइट ऑप्शन। 86, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, क्वेश्चन नंबर, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 87, द फुल फॉर्म ऑफ UNCED इज, तो 87 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज सुइटेबल फॉर ग्रोइंग केशू नट्स ट्री, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा काजे के पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त है। 88 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 89, मानस टाइगर रिजर्व इज इन, मानस टाइगर कहाँ है, तो आपको पता ही है 89 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मानस टाइगर रिजर्व आपका असम के अंदर प्रेजेंट है, 89 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, द टैंक इन होस खास दिल्ली वॉज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी बाय, होस खास दिल्ली में टैंक 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बाद में बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इससे पहले बनाया गया था 90 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 91 में हमसे बोला गया इन द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, तो 91 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी झूमिंग, ऑप्शन नंबर बी झूमिंग इज द राइट ऑप्शन। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, तो 92 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तिल या सीसेमम। क्वेश्चन नंबर 93, ओशन बेड्स आर रिच इन नोड्यूल ऑफ, महासागरीय तल किन की ग्रंथियों से समृद्ध होते हैं, तो 93 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन मैग्नीशियम। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, तो 94 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई दिल्ली इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन, क्वेश्चन नंबर 95 का यानी कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ कब हुई। 95 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 95 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1789 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, द टर्म सफरेज मीन्स मत अधिकार शब्द का अर्थ है, 96 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द राइट टू वोट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, 97 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय यूरोपियन पावर इन द ईयर, नेपोलियन को यूरोपीय शक्तियों ने किस वर्ष पराजित किया था। 98 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1815। क्वेश्चन नंबर 99, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल रिकॉग्नाइज विच कंट्री एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो 99 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, द पॉलिटिकल सिंबल बे बाय ली बार्बियर आई विद एन द ट्राइंगल स्टैंड फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नॉलेज इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 101 पे, द जीडीपी इज द टोटल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 102, द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, 102 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1922 इज द राइट ऑप्शन। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल,
तो आपको पता ही है इसका राइट ऑप्शन होगा 103 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। 104 द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीचेस मानव वाणी की ध्वनियों का अध्ययन है। 104 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा भाषा का प्रकार यह नहीं है। 105 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिंग। सिक्योरिंग इज द राइट ऑप्शन यानी कि हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 106 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग मेकिंग। 106 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली ए सी ई एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 107 लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स दैट। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग यानी कि किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 108 ईच लैंग्वेज हैज यूनिक साउंड स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी दिस मीन्स दैट। प्रत्येक भाषा में अद्वितीय ध्वनियां संरचनाएं और शब्दावली होती है। इसका मतलब है कि 108 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम भाषा एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा समृद्ध कक्षा वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज इज सीन नोटिस एंड यूज यानी कि भाषा देखी ध्यान दी और प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन अ लैंग्वेज क्लास। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का निम्न से क्या उपयोग है। 110 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंगेज लर्नर इन लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 111 द एबिलिटी टू राइट कॉन्साइजली बाय मेकिंग अस अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ डिटेल दैट कैन बी अवॉइडेड टू अचीव प्रिसीजन इज नोन एज स्किल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नोट एडिटिंग। नोट एडिटिंग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 वन हु इज एबल टू यूज बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल इज कॉल्ड। जो दाएं और बाएं दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करने में सक्षम हो उसे कहा जाता है। 112 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्बीडेक्स्ट्रस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 द टर्म लैंग्वेज इज ड्राइव फ्रॉम। 113 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 114 में हमसे बोला गया है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति का दूसरे द्वारा लिखा गया जीवन इतिहास कहलाता है। 114 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बायोग्राफी। बायोग्राफी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल टैलेंट इज कॉल्ड। असामान्य प्रतिभा का बालक कहलाता है। 115 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोडोगी। क्वेश्चन नंबर 116 लैंग्वेज इज प्योरली डैश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा विशुद्ध रूप से संचार की डैश की विधि है। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन एंड इंस्टिंक्टिव। क्वेश्चन नंबर 117 अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डैश सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेटिंग दैट इनेबल द मीडियम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ है जो भाषा सीखने के माध्यम को सक्षम बनाता है। 118 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कल्चर। कल्चर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 लैंग्वेज चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 120 लैंग्वेज इन्वॉल्व डैश फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हैबिट। हैबिट इज द राइट ऑप्शन यानी कि आदत। क्वेश्चन नंबर 121 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइटिंग। राइटिंग यानी कि लिखना आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 122 वी कैन कन्वे मैसेज बेस्ट थ्रू। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो इसलिए मैं आपको बता दूं या तो गेस्चर होना चाहिए या आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका बी या डी ऑप्शन होगा। अब आंसर की के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे कि या तो बी है या आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन यूनियन कैबिनेट फ्रॉम जुलाई 2021। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री धर्मेंद्र प्रधान।
श्री धर्मेंद्र प्रधान इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 124, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. स्वतंत्र भारत के केंद्रीय कैबिनेट के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे. तो यहां पर भी आपका अब्दुल नहीं था, यहां पर ये अबुल लिखा जाता है, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद. तो 124 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद. क्वेश्चन नंबर 125, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट. निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय मंत्री मंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है. क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 125 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा. ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री मनसुख मंडाविया, श्री मनसुख मंडाविया इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 126, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया हु टुक चार्ज इन मे 2022. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिन्हें मई 2022 में कार्यभार संभाला है. तो 126 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राजीव कुमार. क्वेश्चन नंबर 127, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. 127 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 128, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन द फाइनल मैच ऑफ रणजी ट्रॉफी हेल्ड इन फरवरी 2023. निम्नलिखित में किसने फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जीता. तो 128 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र. सौराष्ट्र ने रणजी मैच जीता फाइनल. क्वेश्चन नंबर 129, हु अमंग द फॉलोइंग वन द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल इन दिल्ली इन 2023 इन द 48 किलो कैटेगरी. 48 किलो कैटेगरी में पूछा गया था, तो इसीलिए 129 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका नीतू गंगास. नीतू गंगास आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 130, व्हिच टीम वन द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023. पुरुष का FIH हॉकी विश्व कप 2023 टीम ने किस टीम ने जीता. तो 130 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि जर्मनी. जर्मनी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 131 पे. 131 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022. निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता. तो ऑलरेडी आप जानते हैं मेसी की टीम यानी कि अर्जेंटीना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन 131 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑब्टेन द क्रेडिट ऑफ हैविंग होस्टेड बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स. निम्नलिखित में से किस शहर ने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का श्रेय प्राप्त किया. 132 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरिस. क्वेश्चन नंबर 133, द अरावली रेंज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. अरावली पर्वत माला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है. तो ये चार स्टेट में है, लेकिन जो यहां पर राइट ऑप्शन होगा 133 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में भी ये है. क्वेश्चन नंबर 134, कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है. 134 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट. निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है. 135 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पलार. क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट. ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह किसको कहते हैं. 136 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यूरेनस. क्वेश्चन नंबर 137, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच कंटेन द ओजोन लेयर इज. वायुमंडल की वे परत जिसमें ओजोन परत होती है. क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 138, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप. निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है. 138 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हीट यानी कि गेहूं. क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर मात्रा है. 139 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्स यानी कि बल. क्वेश्चन नंबर 140, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड.
अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए संयुक्त यंत्र है। तो 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141 द डिफेक्ट ऑफ द आई विच कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सुटेबल सिलिंड्रिकल लेंसेज। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके आंख का दोष दूर किया जा सकता है। तो ये 141 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी एस्टिगमेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 142 द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैसेस। तो 142 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन एंड इथेन। क्वेश्चन नंबर 143 द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अनुसार है। 143 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 144 द राइट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्रीज एटसेट्रा इन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आर्टिकल 24। 144 का राइट ऑप्शन आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 145 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी व्हिच मेंशन प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 145 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 145 आर्टिकल 45 यानी कि आर्टिकल 45। क्वेश्चन नंबर 146 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड टू द एजुकेशन बाय विच ईच पेरेंट गार्जियन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज 6 एंड 14 ईयर। तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शंस आपके गलत दिए हुए हैं। 146 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 86 अमेंडमेंट होगा ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 147 में आपके ऑप्शन आपके गलत हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो यहां पर 52वां भी नहीं था 73वां भी नहीं था 86 भी नहीं था और 103 भी नहीं था। यह था आपका 42वां। इसीलिए इसके रॉन्ग ऑप्शन होंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। 148 द बुकर प्राइज 2022 वॉज वॉन बाय। तो हमसे बुकर प्राइज किसने जीता है 2022 का ये पूछा है। 148 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा शेहन करुणा तिलका और ये कहाँ की श्रीलंका की है। क्वेश्चन नंबर 149 हु वॉज अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2022। 2022 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 149 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आशा पारेख इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 द ऑस्कर अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वॉज फ्रॉम विच फिल्म। तो ये 150 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नाटू नाटू इज द राइट ऑप्शन या नातू नातू। दोस्तों इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आप 2024 के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 151 द पुलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड टू द फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट। पुलिट्जर पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर प्रदान किया जाता है। तो इनमें से बताना था कौन सा श्रेणी नहीं दिया जाता है। 151 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पेंटिंग में नहीं दिया जाता है बाकी तीनों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 एबल प्राइज 2023 किसको मिला। तो 152 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लुइस ए कैफरेली। क्वेश्चन नंबर 153 अब यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है। डिजीज पैथोलॉजी से रिलेटेड है प्लैनेट किससे रिलेटेड होगा ग्रह किससे रिलेटेड होगा। 153 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 154 में थर्मोमीटर डिग्री से कनेक्टेड है तो क्लॉक किससे रिलेटेड है। 154 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घंटा यानी कि आर। क्वेश्चन नंबर 155 में चलते हैं हमें बताना है सीक्वेंस में क्या आना है। अब इनका डिटेल सॉल्यूशन हम जल्दी कराएंगे 5 9 15 23 33 45। तो 155 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी
यानी कि 59। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 156, 13, 25, 51, 101, 203, तो 156 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 405, 405 आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 157, तो ए सी ई जी आई, तो अगला लेटर क्या होना चाहिए था, 157 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जे, 157 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि जे। क्वेश्चन नंबर 158, ए बी जेड वाई सी डी एक्स डब्ल्यू ई एफ वी यू, तो क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, 158 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जी एच टी एस, डी एच टी एस इज द राइट ऑप्शन। इफ पी ए एल इज कोडेड एज 2134, ई ए अर्थ इज कोडेड एज 41590, देन पी ए आर एल इज कोडेड एज, तो 159 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24153, 24153 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 160, इन अ सर्टेन कोड सिस्टर इज कोडेड एज 535301, अंकल इज कोडेड एज 84670 एंड बॉय इज 129, देन सन इज कोडेड एज, तो 160 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 524, 524 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 161 से 163 तक ऑड फाइंड करने हैं, मरकरी ब्रोमीन सोडियम एल्युमिनियम, तो 161 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है बाकी सारी आपकी मेटल है। क्वेश्चन नंबर 162, 9521, 2681, 8224, 2565, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये आपका क्या है इवन है, तो इवन ऑड होगा। क्वेश्चन नंबर 163, स्क्वायर ट्राइंगल एरिया रेक्टेंगल, 163 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिया, ये सारी आपकी फिगर से यानी कि आपकी स्क्वायर भी ट्राइंगल भी और रेक्टेंगल भी, लेकिन एरिया आपका फिगर नहीं है। इफ पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज द सिस्टर ऑफ एस एंड पी इज द सन, एस पी इज सन इज एस ब्रदर, देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, तो यदि पी क्यू का भाई है, आर एस की बहन है और पी का पुत्र एस का भाई है, तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है। 164 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, अंकल होगा, अंकल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 165, अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। 165 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है वो, ब्रादर यानी कि भाई है। 166 में चलते हैं, 166 से 169 में आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, तो बी एंड ई आर द गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, डी एंड ई आर इन गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 166 पे, हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, भौतिकी इतिहास और गणित में कौन अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में विज्ञान में नहीं है, तो 166 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 167, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक, कंप्यूटर विज्ञान इतिहास और नाटक में कौन अच्छा है, 167 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ई। क्वेश्चन नंबर 168, हु इज गुड इन फिजिक्स ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस, भौतिकी नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर साइंस में कौन अच्छा है, 168 का राइट ऑप्शन होगा, 168 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 169, हु इज गुड इन फिजिक्स मैथमेटिक्स हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, भौतिकी गणित और इतिहास और कंप्यूटर विज्ञान में कौन अच्छा है, 169 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग का उदाहरण है, तो 170 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे 170 क्वेश्चन, आप अपने आंसर की अकॉर्डिंग, अपने सेट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को मैच कर लेंगे और हमें बताएंगे कि आपके काट कर नेगेटिव मार्किंग करके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जल्दी ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि इस साल पेपर टफ के अकॉर्डिंग
थोड़ा टफ तो आया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, लास्ट ईयर से के कंपैरेटिवली हाई जाएगी या लो जाएगी, और लो जाएगी तो कितना जाएगी और कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।